मित्रों, क्या हाल है आप लोगों का? लॉकडाउन में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। ये जो समय है वो बहुत कठिन समय है और यहाँ पर विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति विश्व की बात करें तो बहुत अधिक परेशान है और निश्चित रूप से हम लोग कुंदन की तरह निखर करके सामने आएंगे जब लॉकडाउन खत्म होगा। और निश्चित रूप से आप छात्र अपने तन मन धन को लगाकर मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम को चूमेगी। विशेष रूप से मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रख करके उसके बारे में बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने में। ये मेरा प्रारंभिक वीडियो है और इसके बाद मैं नित्य प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके मैं डालूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए। और जो भी छात्र मित्र मेरे से पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, जो मुझे जानते हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे नैतिक समर्थन दीजिए जिससे मैं और भी जोश खरोश के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाऊँ, नए नए तरीके से, नए नए मेथड के जरिए मैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहूँगा। मित्रों, ये जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर बीपीएससी 65वीं मुख्य परीक्षा, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन है वो सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र में आता है, जैसा कि आपको पता होगा, और यहाँ से 72 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि 72 अंक के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो वर्तमान समय में सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको पता है कि 600 नंबर का आपको जीएस होता है प्रथम सेक्शन में, 300 नंबर और द्वितीय सेक्शन में 300 नंबर, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 300 में 72 नंबर एक बहुत बड़ी भूमिका लिए हुए होता है। और यदि आप मेरा मानना है कि यदि आप कुछ दिन इस सेक्शन में मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक अच्छे पोस्ट पर भी जा सकते हैं। ये सफलता का मापदंड आपका तय करेगा, सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में आपके रैंकिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसा कि मेरा मानना है कि विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पर यह कहना स्पष्ट है कि अधिकांश प्रश्न इस खंड में समसामयिक प्रकृति के होते हैं। देखिएगा, अभी जो है सेक्शन पूरा बदल गया है और वर्तमान में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो निश्चित रूप से समसामयिक प्रकृति के ही होते हैं जी। और यदि समसामयिक एवं विषय की गूढ़ बातों को सम्मिलित करके आप मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए, अब जो इसमें जितने भी प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं वो वर्तमान समय में भारत के सामने में जो भी चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उस चुनौतियों को ध्यान में रख करके ही प्रश्न बनाए जा रहे हैं। और जितने भी प्रश्न आपको आते हैं वो आपके मानसिक स्थिति को झकझोर देने वाला होता है। और ये भी वो छात्रों के से जानना चाहता है, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये जानना चाहता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप इस चुनौती को किस तरह से लेते हैं। ठीक है, उस चुनौती के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैक्सिमम छात्रों से ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है जो इन चुनौतियों को समझने के साथ साथ इससे निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान या भूमिका को भी अच्छी तरह से जानते हो, वही इस प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। मित्रों, वर्तमान में आपके सामने में बहुत सारी चुनौतियों, देखिएगा कि भारत के सामने में तरह तरह की चुनौतियां तो उभर करके सामने आई है। जैसे कि अभी देखिएगा, हम लोग लॉकडाउन के एक भीषण समस्या से गुजर रहे हैं, तो कोरोना एक वैश्विक समस्या, साथ ही आप देखिएगा भारत में कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और लॉकडाउन के साथ साथ, ठीक है, आर्थिक परिदृश्य पर क्या क्या, ठीक है, भारत को सामना करना पड़ेगा भविष्य में और वर्तमान में सामना भारत कर रहा है उससे निपटने के उपाय तथा
ये इस वैश्विक समस्या को समाप्त करने में भारत की भूमिका पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कोरोना एक वैश्विक समस्या के साथ साथ कोरोना से निपटने के विभिन्न उपायों पर भी आपको एक विस्तृत ठीक है विस्तृत प्रश्न लेखन करनी चाहिए और मैं आगे डिस्कस भी करूंगा आपको और बताऊंगा कि किस तरह से ये प्रश्न लिखे जाएंगे। फिर देखिएगा कि अभी क्या है कि शहरीकरण प्रबंधन, आप देखिएगा कि एक छोटी सी समस्या आपको आया कोरोना, तो छोटी समस्या कहना गलत होगा, एक बहुत विराट समस्या कहिए इसको जो आपके सामने में आया। और आप देखिएगा कि पलायन कितना तीव्र हो गया लॉकडाउन होने के बावजूद, ठीक है, शहरीकरण प्रबंधन नहीं होने की वजह से आपको मजदूरों का पलायन हो रहा है और हम एक गंभीर समस्या में पड़े हुए हैं। अभी देखिएगा कि प्रवासी जो मजदूर है, ठीक है, वो उसका पलायन एक जगह से दूसरे जगह, वो भी एक समस्या उत्पन्न कर दिया। तो शहरीकरण प्रबंधन तथा देखिएगा कि गांव में रोजगार का न होना, शहर में ही सभी रोजगारों का केंद्रित होना है, और ये सारा कुछ जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके क्रिएट कर रहा है। साथ में शहरीकरण में देखिएगा अंधाधुंध घरों का निर्माण हो रहा है, अंधाधुंध आपको विकास बेतरतीब तरीके से हो रहा है, तो ये सब क्या है कि वर्तमान समय में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए, तो पहला तो मैंने आपको बताया कि कोरोना वैश्विक समस्या, इस पर ध्यान देने की वाली बात है। दूसरा जो है वो आपको शहरीकरण प्रबंधन, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तीसरा जो मुख्य सेक्शन है आपको देखिएगा कि प्रदूषण में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रदूषण की प्रकृति क्या है, वो कितने प्रकार का होता है, क्या क्या प्रदूषण होता है, प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, कौन कौन से भारतीय संगठन जो है वो प्रदूषण नियंत्रण में कार्यरत हैं, कचरा प्रबंधन क्या है, सरकार के क्या क्या योजनाएं हैं, ठीक है, और सरकार को आप क्या सुझाव देते हैं नई नई योजनाओं को बनाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए। जैसे आपको देखिएगा कि आपको देखिएगा कि बहुत सारी योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और उस योजना का क्या प्रतिफल हुआ है, उस पर भी आपको एक विस्तृत ठीक है आपका मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और उसको उस शैली में ढालिए किस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए, दूसरा जो आपका है जलवायु परिवर्तन, एक बहुत भूमिका निभा रहा है। देखिएगा कि 62वीं, 60वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं सभी में आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जलवायु परिवर्तन के कारक, प्रभाव, मानव गतिविधि, ठीक है, क्या क्या मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव हो रहा है, तो उसको भी आपको देख लेना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तथा प्रयास को भी, ठीक है, दृष्टिगोचर आपको करना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर देखिए, जल संसाधन प्रबंधन अभी एक महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण समस्या उभर करके आई हुई है। ठीक है, आपको पता होगा कि जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित आपको पता है कि कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा आ जाता है, कभी दूसरे तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं आपको पानी की समस्या हो जाएगी। पिछले साल देखे होगा कि विदर्भ वाले क्षेत्र में आपको बहुत अधिक जल की समस्या क्रिएट हुई थी, राजस्थान में जल की समस्या क्रिएट हुई थी, तो इसको भी देखना चाहिए। और बीपीएससी इस प्रश्न पर, इस ये जो सेक्शन है यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है। तो बाढ़, सूखा, भूमिगत जल प्रबंधन, ठीक है, जल सतह पर जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जल की लवणता, ये सब प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको कंसीडर करनी चाहिए। फिर देखिए, आपदा प्रबंधन, आपको पता है कि आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद जो चुनौतियां उभर करके आती है उस पर, ठीक है, एक विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। कल को आप अधिकारी बनिएगा और अधिकारी होने के नाते आपको आपदा से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है आपदा के समय, आपदा के बाद और आपदा से पहले। तो यदि इसको, इस पर एक विस्तृत प्रश्न आप हल करके रखिएगा तो निश्चित रूप से ये आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर देखिएगा ऊर्जा आवश्यकता, अभी जो है ऊर्जा बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको पता होगा कि नाभिकीय ऊर्जा, तरह तरह के नाभिकीय स्रोतों से हम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा समस्याएं, प्रयास, फिर ये सब प्रश्न बहुत ज्यादा पूरी किए जा रहे हैं। ऊर्जा समस्या तो अभी बहुत हॉट प्रश्नों में से एक, ठीक है,
अभी देखिए बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, इस पर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए फिर देखिएगा कि कई बार प्रश्नों का को बिहार के विशेष संदर्भ में लिखना होता है। याद रखना है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भी आपको प्रश्न लिखना पड़ेगा, तो आपको बिहार सरकार के ठीक है जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसको भी देख लेना पड़ेगा, और सरकारी योजना के तहत आपको आपदा प्रबंधन में क्या क्या काम हो रहा है, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या काम हो रहा है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए क्या क्या काम हो रहा है, और कोरोना में क्या क्या सरकार ने नए नए ठीक है नए नए चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या आपको प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है उस पर भी आपको एक विस्तृत नोट बना लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। फिर देखिए कि नई तकनीकों पर भी वर्तमान में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे क्या कि देखिएगा नैनो तकनीक है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ट्रेड एनालिसिस के आधार पर सिलेबस जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चूंकि आज मैं सिलेबस का डिस्कशन नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस का डिस्कशन करूंगा, तो मुख्य बातें ये है कि देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात क्या है कि जितनी भी चीजें हैं उसको जो अपने आप को एक केंद्र में रख करके देखिए कि आपके सामने में क्या क्या चुनौती उभर करके आ रही है, और उसके लिए आपको क्या 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 कदम उठाने पड़ेंगे, तो उसी बातों को अपने शब्दों में जानकारी के साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से आपको प्रदूषण से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है प्रदूषण से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रदूषण के प्रभाव से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रदूषण नियंत्रण करने वाले संगठन, ओजोन परक्षरण, ई कचरा एवं ई कचरा प्रबंधन, नई तकनीक एवं सरकारी योजनाएं। फिर देखिएगा मैंने दूसरा जो सेक्शन आपको बताया था जलवायु परिवर्तन में कारक प्रभाव, मानव गतिविधि, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय ठीक है अभिशासन, देखिएगा बहुत सारा आपको प्रोग्राम्स हुए हैं, बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, जैसे आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और दोहा सम्मेलन, यानी बहुत सारा सम्मेलन हुआ, तो उस पर एक विस्तृत नोट आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्रमवार सिलसिलेवार किस तरीके से क्या क्या घटनाएं हुई, तो वो भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। फिर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिहार में ऊर्जा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा के लिए क्या क्या प्रोग्राम अभी चलाए जा रहे हैं। अभी देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर, तो भारत में परमाणु ऊर्जा क्या क्या है, कहां कहां परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत जो परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं। थोरियम देखिएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत में थोरियम से संबंधित अभी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और थोरियम आधारित रिएक्टर के निर्माण के प्रयास भारत बार बार कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर देखिएगा अंतरिक्ष से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना, जैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अभी बहुत सारे उपग्रह छोड़े गए हैं, तो उस उपग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। जीपीएस ठीक है, जैसा कि पता होगा जीपीएस, नाभिक, गगन, इंसेट प्रणाली, चंद्रयान, मंगलयान, मिशन शक्ति, इसरो ठीक है, अंतरिक्ष कूटनीति और क्रायोजेनिक इंजन, तो अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपको एकदम बेसिक से उठाना पड़ेगा आपको उपग्रह क्या है ठीक है, किस ऑर्बिट में उपग्रह को स्थापित किया जाता है, जियो सैनक्रोनस सेटेलाइट क्या होता है, सन सैनक्रोनस सेटेलाइट क्या होता है, तो आपको बारीक से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, फिर जाकर के उसको समसामयिक विषयों से मिलाना पड़ेगा। गगन क्या है ठीक है, अभी नाभिक छोड़ा गया, नाभिक क्या है, मंगलयान मिशन क्या है, मिशन शक्ति क्या है, इसरो क्या है, फिर सूचना प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पर प्रभाव, फेक न्यूज, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सब चीजों पर भी आपको एक विस्तृत सोच बनानी पड़ेगी। फाइबर ऑप्टिक्स, नेट तटस्थता, आपको पता होगा कि बहुत अभी समस्या उभर करके आई थी, तो नेट तटस्थता पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ई गवर्नेंस, आपको पता है कि वर्तमान में ई गवर्नेंस जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और डिजिटल, याद होगा आपको कि अभी जो है मैं भी आपसे जुड़ रहा हूँ डिजिटल माध्यम के से ही जुड़ रहा हूँ, क्योंकि बिना डिजिटल के अभी वर्तमान में किसी भी चीज़ की कल्पना कर पाना असंभव है, तो डिजिटली देखिएगा, डिजिटल में इतना ज़्यादा काम अभी आ गया है कि उस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैव प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीएम फसल, क्लोनिंग, जीन चिकित्सा, तो इस पर प्रश्न आपको अभी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। और आपको पता है गया प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में देखिएगा कि कार्बनिक खेती हो रही है, नए नए प्रकार के उर्वरक लगाए जा रहे हैं, उद्योग क्षेत्र में भी नए नए तकनीक आ रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में नए नए तकनीक आ रहे हैं, नैनो तकनीक, लेजर, अतिचालकता, सॉफ्टवेयर, रक्षा क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो मेन रूप से मैं
प्रतिदिन आपको एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जैसे कि ठीक है आपको एक एक प्रश्न में मैं प्रयास ये करूंगा कि शुरू में मैं 8 से 10 प्रश्न जो है वो सेलेक्ट करके आप लोग को डिस्कस कराऊंगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति लाभदायक होगा। और यदि आप रेगुलर इसको करिएगा तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो 4 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला तो मेरा वीडियो रेगुलर देखिए, और मैंने जो आपको सेक्शन बताया है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अभी वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र। पहले मैं ऊर्जा क्षेत्र से क्वेश्चन लूँगा, जैसे नाभिकीय ऊर्जा पर मैं कल आपको एक क्वेश्चन कराऊँगा, और फिर जो है धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिलाकर के मैं पहले 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद अगर 10 क्वेश्चन के बाद कुछ समय मुझे मिलता है तो फिर मैं आपको एक एक टॉपिक जो है का फुल डिस्कशन जो होता है वो मैं करवाऊंगा। तो मित्रों नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। ढेर सारा आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और जितने भी मित्र हैं उनको बताइए कि शशांक सर बीपीएससी मेंस का जो क्लास है वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के सामने मुखातिब हो रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर रेगुलर आप लगे हुए रहते हैं तो सफलता मिलनी तय है। अपने आप को संयमित कीजिए और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए घर में खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों को चुनेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।